Hello everyone, in our previous video we was dealing with locomotion in animals और हमने देखा था कि किस तरह से cockroach अपना locomotion alternating tripod gait movement के थ्रू करता है। हमने ये भी देखा था कि किस तरह snail के पास एक thick muscular foot होता है जिसके थ्रू वो movement करता है। And also in earthworm we have seen that उसके body के ऊपर क्या होता है, एक ब्रश लाइक एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं सीटे, और वो अपने मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के थ्रू मूवमेंट करता था, है ना। नाउ इन टुडेज टॉपिक एंड दिस वुड बी आवर लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, वी आर गोइंग टू लर्न द लोकोमोशन इन बर्ड्स। सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट लोकोमोशन इन बर्ड्स। वी ऑल नो अबाउट बर्ड्स कि बर्ड्स कैसे, अगर हम बर्ड्स के बारे में सोचते भी हैं तो हमें सबसे पहले ख्याल किसका आता है कि जब वो बर्ड्स उड़ रही होती हैं तो ऑफ कोर्स हम कह सकते हैं कि बर्ड्स फ्लाई करती हैं लोकोमोशन करने के लिए। बट क्या वो सिर्फ फ्लाई करती हैं लोकोमोशन के लिए, कैन दे हॉप, क्या वो फुदक सकती हैं? यस दे कैन हॉप ऑल्सो एंड दे कैन वॉक ऑल्सो एंड दे कैन फ्लाई ऑल्सो। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि बर्ड्स के पास लोकोमोशन के काफ़ी तरीके हैं, वो चल भी सकते हैं, हॉप भी कर सकते हैं एंड फ्लाई भी कर सकते हैं। चल कैसे सकते हैं, यू कैन सी एन ऑस्ट्रिच एंड यू विल नो कि हाउ डू दे वॉक। और आप किसी भी एक स्पैरो या ईगल को देखो, वो आपको फ्लाई करता हुआ दिखेगा। एंड इवन दे कैन स्विम ऑल्सो, सम बर्ड्स कैन स्विम ऑल्सो वेरी एफिशियंटली। बट here according to your syllabus we are going to learn about how are they hopping or how are they walking and how are they flying, wo ye teenon movement kis tarah se kar rahe hain। to agar hum baat kare sabse pehle ki unke paas kya hota hai, unke paas wings hote hain na, wings they have wings, pankh hote hain unke paas। to wo pankh kaise, dekhiye aaj main ye cheez aap yaad rakhiyega ki fore limb and hind limb। जब हम फोर लिम्ब की बात करेंगे तो हम अपने, जैसे हमारे पास ये दोनों, ये फोर लिम्ब्स हैं हमारे अपर आर्म्स, ये जो ऊपर के ये दोनों हाथ हैं ये फोर लिम्ब्स हैं। और जब हम कहेंगे हाइंड लिम्ब्स तो हमारे ये जो दोनों पैर होंगे, ये जो दोनों लेग्स हैं वो क्या होंगे, हाइंड लिम्ब्स होंगे। तो जब हम फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब की बात कर रहे होंगे तो बर्ड्स में इनका जो फोर लिम्ब है, जैसे हमारे अंदर हाथ है तो इनका बर्ड्स का जो फोर लिम्ब्स होता है वो मॉडिफाई हो जाता है विंग्स में, किस में कन्वर्ट हो जाता है, विंग्स में, पंख में बदल जाता है। और हाइंड लिम आप देखते हो कि पैर तो दो होते ही होते हैं, छोटे छोटे भी हो सकते हैं ना, होते ही होते हैं। तो हाइंड लिम तो लेग्स ही बने हुए हैं, लेकिन फोर लिम्स किस में कन्वर्ट हो चुके हैं, अब विंग्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। नाउ अगर इनके फीट पे आते हैं तो इनके हाइंड लिम्स हैं, ठीक है, इनके फीट पे आते हैं तो इनके फीट के पास क्लॉज होते हैं, क्लॉज मतलब पंजे, जैसे हमारे पास हैं वैसे इनके पास भी पंजे होते हैं। इनके पंजे हमसे अलग होते हैं बट दे ऑल्सो हैव क्लॉज। क्लॉज क्या काम करते हैं, क्या हेल्प करते हैं, जिस तरह हमारे ये पंजे हमें किसी चीज़ को ग्रिप करने में, पकड़ने में काम करते हैं, ठीक उसी तरह से उनके क्लॉज भी पेड़ों पे बैठने के, उसको तेज़ी से पकड़ के रखने के काम करते हैं ताकि वो वहाँ पे बैलेंस बना सकें। नाउ इनके पास अगर इनके हम बोन्स की बात करें, अब इनके स्केलेटन में आ जाते हैं, ठीक है, ये तो अपर बॉडी स्ट्रक्चर हमने देखा इनका कैसे होता है। अब अगर हम इसके अंदर के स्ट्रक्चर्स को देखें, अगर हम इनके बोन्स की बात करें तो हाँ बर्ड्स में बोन्स होते हैं एंड इनके जो बोन्स होते हैं वो हॉलो एंड लाइट होते हैं। हॉलो मतलब, हॉलो मीन्स खोखला होना, मतलब उनके अंदर कुछ भरा हुआ नहीं है। तो ये जो एक बहुत ही अच्छा फीचर है बर्ड्स के बोन्स का कि वो हॉलो हैं और हल्के भी हैं। आप समझ सकते हो, हॉलो हैं, खोखले हैं और हल्के हैं, क्या ये उनको उड़ने में, फ्लाई करने में मदद नहीं करता होगा? अगर बोन्स भारी होते या और कॉम्पैक्ट होते, भरे हुए होते, तो क्या वो आसानी से फ्लाई कर पाते? ऑब्वियसली नॉट ना। दैट्स वाई उनके बोन्स कैसे हैं, उनके बोन्स हॉलो हैं एंड लाइट हैं, जो सूटेबल है फ्लाइंग के लिए। और भी इनके पास काफ़ी इस तरह से, इनके पास स्पेशल फीचर्स हैं इनके बॉडी में जो इनको अच्छा एकदम बिल्कुल सूटेबल बनाता है ताकि ये उड़ सकें। जैसे कि इनके पास शोल्डर बोन्स जो होते हैं वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। क्यों शोल्डर बोन्स स्ट्रांग होना ज़रूरी है? क्योंकि शोल्डर बोन्स स्ट्रांग होंगे तभी तो वो अपने पंख को क्या करेंगे, फ्लैप करेंगे, फड़फड़ा पाएंगे सही ढंग से और उड़ पाएंगे। चेस्ट बोन्स आर जॉइंट टू स्ट्रांग मसल्स। चेस्ट बोन्स क्या लिखा है कि हमारे ये जो इसके जो चेस्ट के बोन्स हैं वो किससे जुड़े हुए हैं, स्ट्रांग मसल्स से जुड़े हुए हैं। इसके चेस्ट के बोन पे क्या है, स्ट्रांग मसल्स हैं, और वो स्ट्रांग मसल्स से क्या जुड़ा हुआ है,
इनके हाइंड लिम्स जुड़े हुए हैं ना, चेस्ट से इनके क्या जुड़े हुए हैं, हाइंड सॉरी फोर लिम्स जुड़े हुए हैं। फोर लिम्स मीन्स क्या होता है, इनके पंख हो गए ना, विंग्स जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से चेस्ट के मसल्स के हेल्प से ये अपने विंग्स को क्या करते हैं, फ्लैप करते हैं, फड़फड़ा पाते हैं और उड़ पाते हैं, फ्लाई कर पाते हैं। तो हम समझ सकते हैं ना कि इनके ये जो चेस्ट के मसल्स हैं इनके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी हैं, इसी के थ्रू ये उड़ पाते हैं। अगर ये मसल्स, उनके चेस्ट के मसल्स कमज़ोर हो जाएंगे तो फ्लाई नहीं कर पाएंगे। नाउ कमिंग टू देयर लंग्स, उनके लंग्स के बारे में देखें तो उनके लंग्स के पास जो है वो एयर सैक्स होते हैं। एयर सैक्स मतलब ऐसी जगह जहाँ पर एयर भरा हुआ होता है, तो जिससे उनकी बॉडी और हल्की हो जाती है, वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है और हल्की हो जाती है। ये भी उसको सुटेबल बनाता है ताकि वो अच्छे से फ्लाई कर सकें, है ना। नाउ अगर हम उनके बॉडी, अगर उनके थोड़े से अपर बॉडी की बात करें तो हम देखते हैं बर्ड्स के फेदर्स होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पंख बोलते हैं ना, फेदर्स, पंखुड़ी या पंख बोलते हैं। तो वो फेदर्स जो हैं वो इसके टेल पे भी होते हैं और बॉडी पे भी होते हैं, और ये इनको बचाने का काम करते हैं, प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं हीट वगैरह से, ठीक है, ज़्यादा ठंडक से बचाने का काम करते हैं। जैसे हमारे हेयर्स हैं उसी तरह से इनके पास क्या है, पंख, इनके फेदर्स हैं। इनके टेल के पास भी फेदर होता है, टेल पूंछ होती है ना इनके पास, तो इनके टेल के पास भी फेदर होता है। और इनका टेल क्या काम करता है, इनका टेल काम करता है ब्रेक लगाने का, हाँ, इन्हें रोकने का काम करता है, या टू चेंज इट्स डायरेक्शन, इनके डायरेक्शन को अपने, अभी इधर चल रहे हैं, पूंछ को उधर मोड़ा तो उधर हो गया, है ना। इट एक्ट्स लाइक जैसे कार का स्टेयरिंग है, तो समथिंग लाइक दैट, कि इनका जो पूंछ है ये डायरेक्शन चेंज करने भी करने में मदद कर रहा है, और किस में मदद कर रहा है, और रुकने में मदद कर रहा है। इसका मतलब लोकोमोटरी ऑर्गन में ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है, कौन, टेल, और कौन प्ले कर रहा है, विंग्स भी प्ले कर रहे हैं, हाइंड लिम्स भी प्ले कर रहे हैं। नाउ इनकी जो इनकी बॉडी होती है वो स्ट्रीम लाइंड शेप की होती है, स्ट्रीम लाइंड शेप, ये शेप बहुत इंपॉर्टेंट शेप है, आपको समझना चाहिए स्ट्रीम लाइंड शेप क्या होती है। स्ट्रीम लाइंड शेप मतलब आगे की तरफ इस तरह से पॉइंटेड होगा, कोई चीज़ ऐसे आगे की तरफ पॉइंटेड है, पीछे की तरफ भी पॉइंटेड है, आगे की तरफ भी पॉइंटेड है, पीछे की तरफ भी पॉइंटेड है, और बीच में थिक है, बीच में कैसा है, थिक है, मोटा है। तो इस शेप को हम लोग स्ट्रीम लाइन शेप कहते हैं, समथिंग लाइक दिस, कि इधर से भी पॉइंटेड है एंड इधर से भी पॉइंटेड है, एंड बीच में यहाँ पे थिक है, और दोनों साइड से कैसा है, पॉइंटेड है ना, पॉइंटेड। तो देखिए चिड़िया के भी ऐसे होता है आगे की तरफ, बर्ड्स के ऐसे होता है आगे की तरफ बीक होता है इस तरह से पॉइंटेड, और पीछे की तरफ क्या होता है, टेल होता है। तो है ना, क्या इसकी बॉडी स्ट्रीम लाइंड शेप है, क्या बर्ड्स की बॉडी अभी तो स्ट्रीम लाइंड शेप है कि नहीं है बर्ड्स की बॉडी। तो ये स्ट्रीम लाइंड शेप होना ज़रूरी क्यों है, देखते हैं। देखिए अगर हम एरोप्लेन्स की बात करें, या हम पानी में चलने वाले शिप्स की बात करें, या बोट्स की बात करें, तो उन सभी को स्ट्रीमलाइंड शेप में ही बनाया जाता है, क्योंकि ये आने वाले हवा को कम से कम फ्रिक्शन अलाउ करती है, ताकि ये मूवमेंट अच्छे से कर सकें। तो आपको अभी के लिए सिर्फ इतना समझना है कि स्ट्रीमलाइंड शेप होने की वजह से कोई भी आसानी से हवा में उड़ सकता है और आसानी से पानी में भी स्विम कर सकता है, बिना ज़्यादा एनर्जी खर्च किए हुए। तो इनका इनका बॉडी का शेप भी स्ट्रीमलाइंड है, जो मदद करता है इनके फ्लाइंग में। नाउ कमिंग टू अनदर ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म हम सब जानते हैं कौन, किसकी बात कर रहे हैं, हम फिशेस की बात कर रहे हैं। आफ्टर बर्ड्स, बर्ड्स उड़ती थी, फिशेस पानी में तैरती हैं, बट इन दोनों के अंदर आप कमाल की समानताएं देख सकते हो, वेरी सिमिलैरिटीज यू कैन सी बिटवीन देम। देखते हैं लोकोमोशन इन फिशेस, सबसे पहली जो सिमिलैरिटी हमें इन दोनों में दिख जाएगी वो दिख जाएगा कि हमारे फिशेस के पास भी स्ट्रीम लाइंड शेप ही होता है, इनके भी आगे का जो बॉडी पार्ट है वो पॉइंटेड, और पीछे की भी बॉडी पार्ट्स पॉइंटेड होते हैं, ठीक है। तो स्ट्रीम लाइंड शेप, अब स्ट्रीम लाइंड शेप होने से क्या हुआ कि ये आसानी से स्विम कर सकते हैं, जैसे स्ट्रीम लाइंड शेप होने की वजह से ये आसानी से फ्लाई कर सकते थे, इसी तरह फिशेस का स्ट्रीम लाइंड शेप होने की वजह से ये आसानी से स्विम कर सकते हैं। हाँ, अगर जिस तरह, अब नेक्स्ट हम सिमिलैरिटी देखते हैं, हमने देखा था कि इसके फोर लिम्स मॉडिफाइड थे ना,
बट यहाँ पर इसके फोर लिम्ब्स के साथ साथ इनके हाइंड लिम्ब्स भी, क्यों, आपने कभी किसी मछली के पैर देखा है? नहीं ना। तो इनके फोर लिम्ब्स के साथ साथ इनके हाइंड लिम्ब्स भी मॉडिफाई हो जाते हैं। किस चीज़ में मॉडिफाई हो जाते हैं? उनके पास क्या थे? विंग्स थे, है ना। इनके पास क्या है? फिन्स हैं, इसको भी हम हिंदी में शायद पंखी बोल सकते हैं। तो इनके पास भी क्या है? फिन्स हैं। तो इनके फोर लिम्ब्स और हाइंड लिम्ब्स दोनों मॉडिफाई किस में हो जाते हैं? फिन्स में। और फिन्स का काम क्या होता है? वो बैलेंस बनाने का काम करते हैं, एज वेल एज स्विमिंग करने का भी काम कर सकते हैं। तो बैलेंसिंग एंड स्विमिंग आर द वर्क ऑफ फिन्स, एंड विंग्स इन द बर्ड्स डू द फंक्शन ऑफ फ्लाइंग। नाउ इनके बॉडी के पास क्या था? हमने देखा था कि फेदर्स थे। इनके बॉडी के पास स्केल्स होते हैं, आपने देखा होगा स्केल्स, अगर आपने मछली देखी होंगी तो उसके बॉडी पे इस तरह से स्केल्स इस तरह से पाए जाते हैं, देखिए ऐसे ढेर सारे, इस तरह से आपको उनकी बॉडी पे स्केल्स दिख जाएंगे। तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा उनके बॉडी पे, तो ये क्या हो जाएंगे? स्केल्स हैं। तो उनकी बॉडी पे क्या पाए जाते हैं? हमारे फिशेस के बॉडी पे क्या पाए जाते हैं? स्केल्स पाए जाते हैं। इनके भी स्केलेटन के इनका स्केलेटन भी थिन और हॉलो होता है, क्योंकि अगर याद करिए उनका जो बोन था वो हॉलो था, हल्का था, इस वजह से वो फ्लाई कर पा रहे थे। इनका भी बोन्स हॉलो है, थिन है, इस वजह से ये नीचे डूब नहीं रहे हैं, अपने बैलेंस को मेंटेन किए हुए हैं बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट पॉइंट अगर इसमें हम देखें कि ये लोकोमोशन कैसे करते हैं, इनके लोकोमोशन को तो हमने देखा था कि ये तीन तरह से लोकोमोशन कर सकते हैं। इनके लोकोमोशन की अगर हम बात करें तो ये लोकोमोशन करते हैं जर्किंग मेथड से। जर्किंग मेथड का मतलब ये है कि ये अगर फिश की बॉडी है तो फिश अपने हेड को इस तरफ बेंड कर रहा है, कर्व पाथ में बेंड कर रहा है, कर्व में, एंड अपने टेल को दूसरे डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में घुमा रहा है, एंड अगेन ये प्रोसेस इस तरह से कर रहा है, जिसके वजह से ये आगे की तरफ स्विम कर पा रहा है। तो जर्किंग मूवमेंट ऑफ द फिश अलाउज द लोकोमोशन फॉर द फिश इन वाटर। नाउ दिस इज द टाइम फॉर द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज लोकोमोशन इन स्नेक्स। स्नेक्स काफ़ी खतरनाक जानवर लगते हैं आपको, जहाँ भी आते देखते होंगे वहाँ पे पक्का है आपको डर लग जाता होगा। तो लोकोमोशन इन स्नेक्स ये कैसे चलते हैं आप सब जानते होंगे, ये कैसे चलते हैं, बट फिलहाल देखते हैं इसके बॉडी के बारे में। तो स्नेक्स के पास जिस तरह हमारे पास एक बैकबोन है, और इनके बॉडी के पास भी एक बैकबोन होती है। ये बैकबोन इनके हेड से लेके इनके टेल तक पूरी तरह जाती है, हेड से कहाँ तक, टेल तक। अगर स्नेक्स की बात करें तो स्नेक्स हमारे हमें देखेंगे कि इस तरह से ऐसे चलते हुए एस शेप में ऐसे मूवमेंट करते हुए देखेंगे, ये हेड एंड दिस इज टेल। तो इनके पास हेड होता है, टेल भी होता है। नाउ और उस वहां से लेके यहाँ, हेड से लेके यहाँ टेल तक इनके पास क्या होगा? एक बैकबोन होगा इनके पास। किस तरह का मोशन आपको यहाँ पर दिख रहा है? एस शेप का। किस शेप का मोशन? एस, है ना, एस फॉर शिखर। तो एस शेप का मोशन आपको यहां पर देखने को दिख रहा है। इनके पास भी देखिए क्या होता है कि इनके बॉडी के नीचे, जैसे फिशेस में स्केल्स थे ना, इनके बॉडी के जैसे ये अगर हमारा स्नेक है तो इसके बॉडी के नीचे वाले सरफेस पे वेंट्रल स्केल्स होते हैं। क्या होते हैं? वेंट्रल स्केल्स होते हैं, मतलब वेंट्रल स्केल्स का मतलब इस तरह से निकले होते हैं सीटे के, जैसे आपने देखा था ना अर्थवॉर्म में सीटे निकला हुआ था ब्रश लाइक, उसी तरह से हल्के वेंट्रल स्केल्स होते हैं, जो क्या करते हैं, नीचे ग्राउंड को ग्रिप करने का काम करते हैं, कि इस तरह से पकड़ लिया, ग्राउंड को ग्रिप कर लिया। उसके बाद क्या होता है, ग्राउंड को ग्रिप करने के बाद क्या होता है कि अपना जो स्नेक है वो अपने हेड को, हेड के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, हेड के मसल्स को आगे की तरफ खींचता है, ठीक, और पीछे का जो हिस्सा है उसको थ्रस्ट करता है एक कर्व के मोशन में, उसको इधर से उधर लेके चलता है, और तब इस तरह से स्नेक का मूवमेंट एस शेप का हो जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, यू कैन नोट ऑल डाउन दीज थिंग्स, वी विल मीट अगेन, प्लीज रिवाइज दिस चैप्टर एज वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, इट माइट बी अ पॉसिबिलिटी दैट सून योर टेस्ट आर गोइंग टू बी हेल्ड, सो प्लीज पे अटेंशन टू द चैप्टर, रिवाइज वेल, थैंक यू सो मच।